अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इनफैक्ट आज हम कुकिंग नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको कुछ मतलब गरम मसाले की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गरम मसाले में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स का, जो कि वो हर खाने में नहीं डाली जाती हैं। तो बहुत ही ऑथेंटिक सी और सिंपल सी रेसिपी है, जो कि आप ज़्यादातर खानों में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, हम गरम मसाला हमने कैसे पीसना है वो देखते हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बहुत ही सिंपल 7 इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ये मसाला हम पीसेंगे। सिर्फ 7 जो है हमें मसाले चाहिए होंगे। बाहर से जो हम रेडीमेड मसाले लेते हैं वो मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं घर में ही गरम मसाला पीसती हूँ और उसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए और क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 टेबल स्पून यानी 4 खाने के चमचे जो है वो मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। 12 से 13 जो है वो मैंने दालचीनी के स्टिक्स लिए हैं। 1 जायफल लेंगे हम और 2 से 3 फूल जो है वो जावित्री के यूज़ होंगे। 2 खाने के चमचे यानी 2 टेबल स्पून काली मिर्च, ब्लैक पेपर। 1 से 1.5 चम्मच लौंग। 1 से 1.5 चम्मच छोटी इलायची। 1 से 1.5 चम्मच बड़ी इलायची। अब हम इन सारे 7 इंग्रेडिएंट्स को जो है वो सारे मसालों को ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। बारीक हमें इन्हें पीसना है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने बारीक सा पीसना है और गरम मसाला आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा जो है वो तैयार हो जाएगा। जहाँ आप रेडीमेड मसालों का 1 चम्मच इस्तेमाल करते हो, वहाँ आप बहुत ही कम मकदार में इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है आज की पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।